हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है हुआ है CEN 03 2019 को लेकर के, जिसमें से मिनिस्टर एंड एसोसिएटेड कैटेगरी के एग्जाम हुए थे उसी को लेकर के यह अपडेट है। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसमें क्या अपडेट दिया है, क्या नोटिस है, उस चीज़ को, सारी चीज़ों को आप लोगों को देखना है। तो इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए, ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए, उन्हीं को लेकर के यह नोटिस दिया गया है CEN 03 2019 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पे जो है पहला नोटिस जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम 27/10/2021, यानी कि 27 अक्टूबर से आगे की जो डेट होंगे उसमें यहाँ पे ये टेस्ट लिए जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है जो दूसरे नंबर पर है, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 1 एंड 2 एंड ट्रांसलेशन टेस्ट कैटेगरी नंबर 3 इज मैंडेटरी फॉर ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग PWBD कैंडिडेट्स। तो इसमें जो है कैटेगरी नंबर 1 एंड 2 जो है, और उसके साथ ही कैटेगरी नंबर 3 जो है, वह सारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से PWBD कैंडिडेट्स भी शामिल है, उनके लिए मैंडेटरी है, मतलब उनको ये देना ही देना है। इसके बाद में अगला जो है वह चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है कंपनसेंट्री टाइम ओनली विल बी अलॉटेड टू एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स अंडर एज, यहाँ पे जो दिया है वो टाइप टेस्ट दिया है, कैटेगरी है, टाइम ड्यूरेशन दिया है और टाइम ड्यूरेशन फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए जो है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी दोनों के लिए है यहाँ पे दिया गया है। तो जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए है उसको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और साथ साथ में जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 70 मिनट दिया जाएगा। साथ साथ में जो हिंदी वाले जो जूनियर स्टेनोग्राफर वाले हैं उनको 65 मिनट्स दिए जाएंगे, और जो PWBD के हैं हिंदी वाले उनको दिए जाएंगे 90 मिनट्स के। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, नोटिस है, ये आप लोगों को जानकर ध्यान रखना चाहिए। टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए जो कैटेगरी है उसमें से जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी वाले जो हैं उनको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। साथ ही साथ में PWBD कैंडिडेट जो है उनको 160 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो है टाइम ड्यूरेशन दिया गया वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिया है नो कंपनसेंट्री टाइम विल बी अलाउड फॉर डिटेक्शन, तो यहाँ पे दूसरा और कुछ टाइम दिया हुआ नहीं जाएगा, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो चौथा नंबर का है नोटिस, उसमें एलिजिबल BH कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू ब्रिंग द ब्रेल टाइपराइटर फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। जो भी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको लाने के लिए ब्रेल लिपि वाला जो टाइपराइटर उसको लाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ साथ कैंडिडेट्स फॉर हिंदी ट्रांसक्रिप्शन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी आर एडवाइज्ड टू चूज हिंदी इन स्क्रिप्ट हिंदी रेमिंगटन CBI और हिंदी रेमिंगटन गेल हिंदी कुर्तीदेव एज देयर कीबोर्ड लेआउट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो भी हिंदी में लिखने वाले हैं उनको यहाँ पर हिंदी स्क्रिप्ट वाले हिंदी रेमिंगटन CBI हिंदी रेमिंगटन गेल और कुर्तीदेव को ही अपने कीबोर्ड के लेआउट सेक्शन में ऑप्शन करना है, यह भी कहा गया। साथ साथ कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्ट हैंड नोटबुक 2 पार्ट्स स्टेशनरी फॉर ट्रांसलेशन टेस्ट एंड पेन विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम एंड द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी ऑफ द एबव आइटम। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं लाना के लिए कहा जाए। साथ साथ यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो सब सारे एग्जाम हॉल में आपको दे दिए जाएंगे। फॉर शॉर्ट हैंड डिटेक्शन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ऑन पेंसिल शार्पनर एंड इरेजर। तो जो भी शॉर्ट हैंड डिटेक्शन है उनके लिए है, कैंडिडेट्स को लाना है अपना पेंसिल लाना है, साथ साथ शार्पनर इरेजर भी लाना है, ये कहा गया इसमें 7 नंबर वाले नोटिस में। साथ ही 8वां नंबर में दिया है द एग्जाम विल बी हेल्ड बाई ऑब्जर्विंग ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन रिलेटेड टू COVID-19। तो ये COVID-19 से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है उसी के अनुसार से ये सारा चीज़ कराए जाएंगे। 9 नंबर में जो फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स RRB ओनली। यहाँ पे कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि वे लोग ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे के जो है उसमें बराबर विजिट करते रहना, कि आपको देखते रहना है। साथ साथ यहाँ पे जो बीवेयर ऑफ टूवर्ड्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट्स विद फेक प्रोमिस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब्स और इलीगल कंसिडरेशन RRB रिक्वायर्स आर बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो भी हैं दलाल हैं उनसे सावधान रहने के लिए कहा गया रेलवे की ओर से। यहाँ पर जो है RRB जो है वह मेरिट के आधार पर ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करता है, रिक्रूटमेंट करता है, ये कहा गया। यहाँ पे आप लोग डेट से देख सकते हैं 18/10 यानी कि 18 अक्टूबर 2021 का डेट है। साथ ही यहाँ चेयरपर्सन दिया हुआ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से। तो यह जो नोटिस है वह स्पेशली जो है वो आप लोगों को टाइम के हिसाब से देख लेना है यहाँ पर। साथ ही साथ में जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हैं स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए, ट्रांसलेट टेस्ट के लिए, जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के हैं उन्हीं को लेकर के यह नोटिस है। तो इस प्रकार के रेलवे की ओर से अभी काम किए जा रहे हैं। हो सकता है NTPC का जो है CBT 1 उसका भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दे ताकि इसका भी प्रोसेस आगे बढ़ता जाए। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था RRB की ओर से, तो आपको ध्यान रखना है।